जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग आपको महत्वपूर्ण सूचना व जानकारी बता दूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए, जो आज आपका नोटिस निकला है उस नोटिस में जो है जिन जिन चीजों को जो है जिक्र किया गया है वह सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम सेंटर पर जो है आपको क्या क्या लेकर जाना है इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल आपका 23 मार्च है और कल आपका जो है फाइनल एडमिट कार्ड जो है मॉर्निंग में आ जाएगा। साथ ही साथ आपका एग्जाम जो है 30 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक चलने वाले हैं, यानी अलग अलग दिनों में जो है बच्चों का अलग अलग एग्जाम होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और आपके जो है बिहार में काफी पर्व भी है, मतलब कि फेस्टिवल भी है, जिसको लेकर जो है आपको यह एग्जाम जो है थोड़ा लंबा जा रहा है। लेकिन आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 30 तारीख से ही। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि एग्जाम सेंटर पर आपको किन किन चीजों को लेकर जाना है, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एग्जाम जिस दिन होगा दो पाली में होगा। पहला पाली में होगा, दो पाली में आपका होगा, पहला पाली और दूसरा पाली, समझ गए। यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे रिपोर्टिंग टाइम, याद रखिएगा, सबसे पहले तो यह जान लीजिएगा कि जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आपको अपने एग्जाम सेंटर पर एक घंटा पहले ही पहुंच जाना है। अगर दूरी वाले बच्चे हैं तो एक दिन पहले ही आकर रूम लेकर रह लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आपके पूरे बिहार में 9 जिलों में ही सेंटर गया है। ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका पहला मतलब फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये जो है आपका कब है 8:30 है, और जो आपका गेट क्लोज हो जाएगा कब, तो 9:30 पर गेट क्लोज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा वो 10 बजे से लेकर आपके 12:30 तक होगा, 12:30 तक होगा, ये पहली पाली का है। वहीं पर जो बच्चे डिसेबल होंगे, यानी जिनको चलने में सुनने में या देखने में दिक्कत होगा, उनके लिए जो एग्जाम होगा वो 10 बजे से लेकर आपके 1:20 तक होगा, यानी कि उनको जो है 30-40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये जो है आपका प्रथम पाली है। द्वितीय पाली की बात कर लेंगे, यहाँ पर आपका 1:30 पर क्या होगा कि आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा और 2:30 पर आपका गेट जो है क्लोज हो जाएगा और आपका जो एग्जाम होगा वो आपका जो है 3 बजे से लेकर आपका 5:30 तक होगा। और वही जो बच्चे डिसेबल वाले होंगे उनको जो है 3 बजे से लेकर 6:20 तक होगा, यानी कि उनको जो है 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, समझ गए। यह जो है आपका फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग है। और एग्जाम किस दिन होगा वह 30 तारीख को होगा। उसके बाद आगे का जो डेट है वह निर्धारित नहीं है, लेकिन अंतिम डेट आपका जो है 28 अप्रैल है। उसके बीच में भी जो है आपके एग्जाम होंगे वह कल आपको पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो समझ गए, ये बातें समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम जो है ये बातें समझने के बाद आपको जो है एग्जाम सेंटर के ऊपर जो है क्या क्या चीजें लेकर जाना है वो मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को समझिएगा। एग्जाम सेंटर के दिन जो है आपको सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं अपने स्तर से नहीं बल्कि आपके नोटिस में लिखा हुआ है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि एग्जाम सेंटर पर आपको लेकर जाना क्या है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो कल आपका एडमिट कार्ड होगा ना, उसका 2 प्रति निकालिएगा, 2 प्रति कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 2 प्रति, एक नहीं, क्योंकि एक लेकर जाइएगा एक जमा हो जाता है और एक आपके पास होना चाहिए, नहीं तो एडमिशन के समय दिक्कत होता है। इसलिए कल जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसका 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड पर फोटो होगा, जो आपका फोटो होगा वह 2 पीस चाहिए, समझ गए, जो एडमिट कार्ड पर दिया गया हो, यानी कि जब आपने फॉर्म को भरा था, जब फॉर्म भरने के दौरान जो आपने फोटो दिया था वही फोटो आपका होना चाहिए, समझ गए। साथ ही साथ आप लोग जो है डॉक्यूमेंट के 2 डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, 2 डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा एग्जाम सेंटर पर, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका 10th 12th का मार्कशीट हो, ऐसा आपको डॉक्यूमेंट लेना है जिसमें आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन हो। इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाइए ऑनलाइन तो आप जो है 2 डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल, समझ गए। चलिए आगे हम बात कर लेंगे, तो आपके नोटिस में लिखा गया है पेंसिल और बॉल पेन भी लेकर जाना है, लेकिन बहुत सेंटर पर आपको दिए जाते हैं, कहीं कहीं नहीं दिया जाएगा, इसलिए नोटिस पर लिखा गया है कि पेंसिल और बॉल पेन जो है ले जा सकते हैं, समझ गए।
साथ ही साथ जो है समय से एक घंटा पहले जाए सेंटर पर, यह भी बात मेंशन है कि समय से जो है एक घंटा पहले अपने सेंटर पर जाइए, समझ गए, ताकि आपका एग्जाम छूट नहीं। और यहाँ पर हम ड्रेस कोड की बात करेंगे, तो जो आपका ड्रेस है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, नॉर्मल पहन के जाइएगा, ज्यादा ताम झाम में नहीं जाना है, समझ गए, नॉर्मल ड्रेस पहनकर जाना है। साथ ही साथ लड़कियों के लिए एक सख्त जो है यहाँ पर निर्देशक है कि लड़की लोग जो है हाथ में मेहंदी नहीं लगाएंगे। अगर आपने हाथ में मेहंदी लगाया होगा तो आप लोग मिटा लीजिएगा, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक होगा, थंब एक्सप्रेशन होगा, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। लड़के लोग भी तो हाथ में लगाते नहीं है, लड़के लोग, ये लिखा हुआ है जब आपका नोटिस है ना उसमें लिखा हुआ है ये लाइन कि लड़के लोग अपना मेहंदी वेदी हटा लेंगे क्योंकि बायोमेट्रिक में दिक्कत नहीं हो। तो ये जो है आपका महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एग्जाम सेंटर के दिन जो है एग्जाम पर सेंटर पर ले जाना है, समझ गए। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो है टोटल 2.30 मिनट आपको मिलेंगे समय, समझ गए। पर क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिलेगा, तो एक नंबर मिलेगा पर क्वेश्चन के लिए आपको जो है एक नंबर मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग क्या है, निगेटिव मार्किंग आपका जो है नहीं है, क्लियर है ना। आपका एग्जाम जो है CBT होगा, कंप्यूटर पर होगा। आप लोग सर्च कीजिएगा बिहार DLED CBT एग्जाम कैसे दे फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर वो टेस्ट को लगा सकते हैं। कल आपको मे बी डेमो टेस्ट भी आपको बोर्ड जारी कर देगी। तो यह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको एग्जाम के दिन जो है एग्जाम सेंटर पर किन किन बातों को ध्यान रखना है और क्या क्या लेकर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर।